सोमवार को पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मथुरा शहर के सेठवाड़ा स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हेमराज कसाना मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों को तानाशाही करार देते हुए कांग्रेस द्वारा आमजन को जागरूक किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरे जाने की जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही अडानी और केंद्र सरकार के संबंधों को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने और उन्हें सजा दिए जाने को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने गलत करार दिया। वहीं उन्होंने पार्टी स्तर पर आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमण आचार्य, यतीन मुकद्दम, प्रवीण ठाकुर आदि मौजूद रहे। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी आम जन की आवाज़ को संसद में उठा रहे थे, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। उनकी सदस्यता निरस्त की गई, उनको गलत तरीके से 2 साल की सजा बोली गई और आमजन देख रहा है कि हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा, कौन आगे सरकार के समक्ष रखेगा हमारे पक्ष को। तो इन्हीं में 2-3 मुद्दे हैं। ये कार्ड हमने लॉन्च किया है, ये कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, अगर देश के होते तो किसान की बात करते, युवाओं के रोजगार की बात करते, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते, आम जनों की बात करते, लेकिन वो बात कर रहे हैं बीजेपी की और अडानी अंबानी और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों। इस कार्ड द्वारा हम अपनी बात को लेकर जाएंगे। इसमें 2-3 कुछ मुद्दे हैं कि एक तो अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है, आपके आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं, कृपया हमें भी वह सूत्र बताएं जिसकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 8 वर्षों में 609वें स्थान से दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति अडानी जी कैसे बन गए, वो सूत्र भी बताएं। 20,000 करोड़ का इनकी कंपनियों में जो फंड आया वो कहां से आया, तमाम सारे ऐसे सवालात आज पूरा देश लेकर के खड़ा है, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब तो मोदी जी भी मन की बात नहीं कर रहे हैं। आज देश के जो हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं, चाहे बेरोजगारी की बात कीजिए, चाहे महंगाई की बात कीजिए, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए, चाहे किसानों की आय की बात कीजिए, चाहे व्यापारियों के टैक्स की बात कीजिए, चौतरफा इस सरकार ने लूट मचा रखी है। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज़ महंगी मिल रही है, आमजन की कमाई बंद और सामान खरीदारी महंगी हो गई है। आज आमजन की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। और एक आवाज़ जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करके राहुल गांधी जी पूरे देश में हर एक पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन के एक अपना एक खाकानामा बनाया, एक हमने लिस्ट बनाई राहुल जी ने कि ये समस्याएं हमारे देश में हैं, मैं जाके संसद में इस आवाज़ को उठाऊँगा, तो उन तमाम सारी आवाज़ों को राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करके उनको 2 साल की सजा बोल के उनको दबाने का काम इस सरकार ने किया है। तानाशाही रवैया नहीं चला। गांधी को सजा हुई है नहीं मानते जी, राहुल गांधी को सजा हुई है इसको कितना सही मानते? देखिए, राहुल गांधी जी को सजा गलत हुई है, गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह किया गया है, सरकार द्वारा गलत साक्ष्य पेश किए गए हैं। और कभी भी जो एक देश का विपक्ष का नेता होता है, जो संसद में आम जन की आवाज़ को उठाने वाला होता है, उसको कम से कम सजा बोली जाती है, न कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा बोली जाती है।